नमस्कार, मैं सुधांशु, आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन सुधांशु इनोवेशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हम सभी लोग यहां पे मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज की क्लास में आज हम लोग का आगे एकिक नियम वाला सवाल मैं आपको पढ़ा रहा था। तो और एकिक नियम में जो है फ्रैक्शन में बनाना, जो भी परसेंटेज था सही बटा वाला, उसको भिन्न में बदल करके हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज की शुरुआत हम लोग करते हैं, और आज फिर से हम लोग एक बार अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे पहला सवाल, यहाँ पे जो भी आने वाला, कल जहाँ तक आपने पढ़ा था वहाँ तक तो आपका कंप्लीट होगा, उसके आगे आज का पहला सवाल शुरू होने वाला है। तो भाई सब लोग आ जाइए, लाइव आ जाइए पहले फटाफट। सर्वेश जी आ गए हैं, अनिल कुमार, अखिलेश कुमार शर्मा, और इसके अलावा जो है सारे लोग आ गए हैं। ये तो यार सुमित सर वाली लाइव चल रही है, मेरे वाले लग गया, हम बोलते रहे। ठीक है, हाँ लड़कों को दिखाई भी तो पड़ना चाहिए, पुराना वाला ही हमें लग रहा लाइव अभी दिख रहा है, सर वाला है। कमेंट तो मुझे कहाँ मेरे दिखाई पड़ेंगे लड़के। एक सेकंड बच्चों, स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोग बने रहिए। कह दीजिए 2 मिनट पहले स्ट्रीम कर दिया करें बच्चे, जिससे बच्चों को दिखाई पड़े, अब वो देखेंगे पिछली क्लास। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, आ गया। तुरंत शेड्यूल 2 मिनट पहले राम कुमार जी शेड्यूल कराया करिए, जैसे अगली क्लास रहे उसकी। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाइए। हाँ चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, क्वेश्चन टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा, आप सभी लोग क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। पहला क्वेश्चन लगाइए, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। एक गांव में 16 से ही 2/3% लोग शिक्षित हैं। 16 से ही 2/3 बोले तो आप सभी बच्चों को पता है, मार्कर थोड़ा भर दीजिएगा नए वाला। 16 से ही 2/3 बोले तो आप सभी बच्चों को पता है, अभी तक नहीं पता है तो आप पता कर डालिए, 1 से लेकर के 1/20 तक याद कर डालिए। तो ये 1/16 लोग, 16 से ही 2/3 का मतलब हमारा बनेगा 1/6, इतने लोग शिक्षित हैं। यदि गांव में 2400 अशिक्षित हो तो गांव की कुल जनसंख्या, मुँह जबानी सवाल, इतने लोग शिक्षित हैं यानी कि आपका जो, देखिए किसी गांव में 16 से ही 2/3% लोग शिक्षित है, तो मैंने कहा था ये वाला होता है हमारा मूल मान। मूल मान अगर 6 लोग हैं तो 6 का 16 से ही 2/3 बोले तो 1 लोग यहाँ पे शिक्षित है, ये एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है। और ये जो एजुकेटेड है वो बोलता है कि सवाल में गांव में जो एजुकेटेड है वो 2400 लोग नहीं, अशिक्षित की संख्या दिया है 2400। तो ये बताइए अगर ये कुल जनसंख्या है तो कुल में से 1 लोग पढ़े लिखे हैं तो अशिक्षित कितने होंगे। तो आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कुल मिलाकर के आपने 6 यूनिट आदमियों को माना है और 6 यूनिट में से 1 यूनिट पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित की संख्या 6 में से पढ़े लिखे को घटा दीजिए तो 5 यूनिट आपकी अशिक्षित जनसंख्या हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। और ये 5 यूनिट जो अशिक्षित है, ये 5 यूनिट जो बिना पढ़े लिखे वाले लोग हैं उनकी संख्या 2400 दिया है। 1 यूनिट आप निकालेंगे तो 1 यूनिट बच्चों आपका हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 8 40, 480 हो जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल आपने 6 यूनिट माना है तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 480 और गुणे 6 6 0 0 6 8 48, 6 चौक 24, 4 28, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज 2400
2880, ठीक है, 2880 ये आपका आंसर आ जाएगा, सभी का आ रहा होगा उम्मीद है 2880। चलिए आप एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2880 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, किसी शहर की जनसंख्या 189,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% विवाहित हैं, तो विवाहित लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा? 50% पुरुष विवाहित हैं, बहुत ही शानदार अच्छे लेवल का सवाल, आप सभी लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, सभी लोग इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 189,000 है, जो पॉपुलेशन है शहर की वो 189,000 है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको यहाँ पे समझना है मजेदार तरीके से, मैं आपको बताता हूं, शहर की जनसंख्या 189,000 है, इसमें से जो मेल हैं वो 4/9 है, तो बाकी आपको पता है कि बाकी तो फीमेल हो जाएंगी, तो फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल 4/9 है, तो फीमेल देखिए कितना हो जाएगा, मेल 4/9 है, 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 4/9 पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, तो महिला अगर आप देखें तो 9 में से 4 पुरुष हैं, देखिए ये बटा वाला टोटल होता है, 9 में से 4 पुरुष है तो 5 हिस्सा महिलाएं हैं, 5/9 यहां पे महिलाएं हो जाएंगी, ये आपका डाटा हो गया। अब यहां से कहा जा रहा है सवाल में कि 50% पुरुष विवाहित हैं, एक बात मुझे बताइए कि 50% अगर विवाहित है तो पुरुष पहले आए कितने, 4/9 निकाल लीजिए 189,000, इस सवाल को मैं और सस्ते में लगवाऊंगा, पहले पूरा समझा रहा हूं, इसका 4/9 निकाल लेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 21,484, 84,000 आप ये ले लीजिए, 84,000 पुरुष है, ये पुरुष हो गए 84,000, इसमें से जो मैरिड हैं, जो विवाहित हैं, आप सभी बच्चे देखेंगे तो मैरिड का मतलब विवाहित, 50% विवाहित हैं, तो 84,000 का 50% बोले तो आधा, यानी कि 42,000 लोगों की शादी हो चुकी है। अब एक बात मुझे बताना मेरे बच्चों कि अगर 42,000 लोगों की शादी हो चुकी है पुरुषों में, तो ये 42,000 लोग जो पुरुष हैं वो किससे शादी किए होंगे, आप मुझे बताइए, वो महिलाओं से शादी किए होंगे, इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी विवाहित होंगी, तो महिलाओं की संख्या आप चाहे निकालें चाहे ना निकालें, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा आपको समझना होगा कि विवाहित महिला जितने पुरुष विवाह किए हैं उतनी महिलाओं का भी विवाह हुआ होगा, बिकॉज आप सभी को पता है कि महिलाएं वैसे भी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष अगर 42,000 शादीशुदा हैं, 42,000 लोगों को हल्दी लगी है, तो महिलाएं 42,000 ही होंगी, है कि नहीं, क्योंकि पुरुष अकेले तो शादी कर नहीं लेंगे कि पुरुष पुरुष से शादी कर लेंगे, ये तो आपको पता है कि महिला शादी करेंगे, तो 42,000 यहां तो 42,000 महिला भी हो जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, विवाहित लोगों की जनसंख्या, तो टोटल जो विवाहित है, अब आप मुझे बताइए कि टोटल विवाहित कितना बनेंगे, कुल विवाहित, तो पुरुष और महिला दोनों को जोड़ दीजिए, 42,000 लोग पुरुष 42,000 महिलाओं से शादी किए हैं, मींस ये कुल मिला के 84,000 लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के हमारे पास 84,000 लोग विवाहित हैं, कितने में से, आप कहेंगे सर 189,000 में से परसेंटेज बोले तो गुणे में क्या कर देंगे 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 21 चौक 84, 21 × 9 = 189, देखिए 1/9 = 11 सही, 1/9 होता है तो 4/9 हो जाएगा, 44 सही, 4/9 ये आपका जवाब हो जाएगा भाई, 1/9 × 100 = 11 सही, 1/9 होता है, आप लोगों ने पढ़ा इतने दिन से यही तो पढ़ रहे हैं, 11 सही, 1/9 = 1/9, 1/9 का ये परसेंटेज होता है, तो 4/9 अगर है तो ये 4 गुना हो जाएगा, 44 सही, 4/ कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 का मतलब 44 सही, 4/9% ये पॉपुलेशन जो है ये विवाहित है। यहाँ पे आप एक बार कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार है, इस सवाल को और अच्छे से मैं लगा देता हूं, आप पहले कमेंट कर दीजिए, एक बार मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया ये,
उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते तरीके से बताता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ। साफ दिखाई नहीं दे रहा, मार्कर बदल दीजिए भाई, मार्कर तो बदल दिया है, नया वाला राम कुमार जी भर दीजिए। 360p, 360 पिक्सल पे आप सभी लोग देखा करिए, बहुत बढ़िया आपको दिखाई पड़ेगा 360p पे। ठीक है, 44 से ही 4/2। एक बार बताइए, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया अभिषेक। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम बहुत सस्ते तरीके से इस सवाल को लगाने चल रहे हैं और आपके मन से एक चीज का भय हम निकालने चल रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सीखिएगा, इस तरह के सवालों को और अच्छे तरीके से हम लोग निकाल सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सवाल की अंतिम लाइन हम पढ़ते हैं और अंतिम लाइन में हमसे पूछा है कि विवाहित लोगों का प्रतिशत क्या है। और जब कभी किसी भी सवाल में, आप ध्यान से सुनिए, जब किसी सवाल में उत्तर लास्ट में प्रतिशत में पूछा जाए, जब किसी भी सवाल में लास्ट में उत्तर प्रतिशत में पूछा जाए, तो ऐसे में हम अपने डाटा को कुछ भी मान करके लगा सकते हैं सवाल को। कोई जरूरी नहीं है कि 1,89,000 को लेकर के हम ढोएं, हम नहीं ढोएंगे, क्योंकि उत्तर 1,89,000 यहां जनसंख्या मान के आप लगाइए तो भी यही आएगा। आप 2,89,000 लेके लगाएंगे तो भी वही आएगा। आप 5,89,000 लेके लगाएंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि उत्तर जब लास्ट में परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो ऐसे केस में हमें चीजों को जो है अपने अकॉर्डिंग मान करके चलना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही आसानी से मैं कहता हूं यहां पे क्या कर देना चाहिए कि मेल अगर 4/9 है बच्चों, तो 9 में से 4 हिस्सा मेल है। तो अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो बना दूं, अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो बना दूं, आप सभी बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं कि 9 में से 4 पुरुष हैं, अगर 4 पुरुष हैं मेरे बच्चों, तो 5 क्या है? महिलाएं। यही तो मतलब हुआ। अब यहां से मैरिड की बात करें, ये लीजिए खत्म, सवाल खत्म। मैरिड की बात करें तो 50, 4 का 50% माने आधा। दो लोग अगर पुरुष मैरिड हैं तो निश्चित तौर पे दो महिला भी मैरिड होंगी, यानी कि पुरुष और महिला मैरिड की अगर हम बात करें तो दो दो चार लोग यहाँ पे मैरिड हैं, और 4 लोग टोटल पॉपुलेशन आपका, ये टोटल वैल्यू है, ये आपका टोटल वैल्यू होता है। तो टोटल 9 में से, टोटल 9 में से 4 मैरिड हैं, तो मैरिड परसेंटेज अगर हम यहाँ पे निकालें तो टोटल 4 लोग मैरिड हैं, कितने में से? 9 में से, गुणे 100 कर देंगे तो ये 1/9, 11 से ही 1/9, तो 4 से गुणा कर देंगे, 44 से ही 4/9। लीजिए सवाल खत्म। वो चाहे 1,89,000 देते हैं, चाहे वो 2,89,000 देते हैं, नथिंग, कुछ भी कोई मतलब ही नहीं रखना है बेटा, क्योंकि जब उत्तर परसेंटेज में पूछा जाएगा, जब कभी भी उत्तर परसेंटेज में पूछा जाए, मेरी बात को कान खोल के सुनेंगे, जब कभी भी उत्तर लास्ट में प्रतिशत में पूछा जाए, डाटा कुछ भी मान के लगाना, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कुछ तकलीफ होनी नहीं है, अपने अकॉर्डिंग मानिए। सुनो, ये अगर आप मन के 400-500 मान लो, लो ये मान लो कि मेल मान लेते हैं 4 अनुपात में है और फीमेल आपका 5, क्योंकि 9 में से 4 पुरुष है, 400 पुरुष मान लो, 500 महिला मान लो, 50% माने 200 विवाह हुआ है, तो निश्चित तौर से 200 महिला विवाहित होंगी, यानी कि 400 लोग विवाहित हैं, 400 लोग विवाहित हैं, टोटल 900 में से गुणे 100 लीजिए। फिर से वही सवाल आपका आ रहा है, देखिए 44 से ही 4/9। आप कुछ भी मान के लगाइए, आप जनसंख्या कुछ भी दिया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मुंह जबानी आपको सवाल बना देना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, हम आपको 200-250 सवाल परसेंटेज में लगवा दे रहे हैं, तरह तरह की वैरायटी आपको दे दे रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद परसेंटेज का कोई भी सवाल होगा वो बचना नहीं है, बस इतना आप जानिए, बस आप लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंदना, तुम बहुत परेशान आत्मा हो, तुम्हारी मोबाइल हैंग कर रही है, बैटरी निकाल के फिर से लगाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? माधुरी, बैक करके बच्चे फिर से लेके आओ, बैक करके फिर से आओ, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ है नहीं। अब देखो, यहां से लिखा है कि यदि वाई का एक्स परसेंट 150 है और जेड का वाई परसेंट 300 है, तो जेड और एक्स का संबंध क्या होगा? बहुत ही सिंपल था सवाल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाई का एक्स परसेंट 150 है, तो वाई का माने गुणा एक्स परसेंट बोले तो बटे 100,
बराबर बोला 150 है और जेड का वाई परसेंट 300 है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक मिनट इसको परसेंट में ही हम प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही लाजवाब और अच्छे लेवल का सवाल, लेकिन देखो अभी मजा ला देते हैं कैसे सवाल आएगा। वाई का एक्स परसेंट, वाई का माने वही गुणा लिख दीजिए, का माने गुणा, एक्स परसेंट बराबर कितने के है 150 के, इक्वेशन नंबर वन बना देते हैं। फिर जेड का वाई परसेंट 300 है, तो जेड का वाई परसेंट बराबर कितने के है 300, इक्वेशन नंबर दो। अब देखिए समझ में आपको करना क्या है, देखिए सवाल में पूछा है कि यक्स और जेड का संबंध बताना है, यहां पे एक्स एंड जेड का रिलेशन, यक्स एंड जेड का रिलेशन। अब एक बात तो आपको समझ में आती है कि अगर ये एक्स और जेड का रिलेशन पूछा जा रहा है तो बाकी सब बकवास है। अरे बोलेंगे अगर एक्स और जेड पूछा जा रहा है तो मेरे भैया वाई का क्या होगा, वाई नहीं आना चाहिए ना, तो वाई कहां से चला जाएगा, भाग कर दो, एक ही रास्ता, भाग कर दो, वाई अपने आप भाग जाएगा। लो परसेंट से परसेंट चला गया और एक्स बटे जेड बराबर, एक्स बटे जेड बराबर 150/300 बराबर 1/2, और यहां से जेड बराबर आ जाएगा 2x। समझ रहे हैं? अरे वाई करेंगे क्या, वाई का अचार डालेंगे, जब वाई की जरूरत नहीं है तो भगाइए। यहाँ पे आपको जेड और यक्स का रिलेशन पूछा जा रहा ना, तो यक्स और जेड का रिलेशन पूछा जा रहा, तो मैथ में यही बुद्धि लगानी है कि यक्स और जेड का रिलेशन चाहिए तो यक्स से जेड को रोको, बाकी सबको मारो गोली, गायब हो जाए यहां से, है ना। तो जेड बराबर 2x, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ समझ आ रहा है सबको? चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट की तरफ। बहुत आसान सवाल था ना, कुछ नहीं था ना। अच्छा देखने में लग रहा था यार कितना बड़ा रिलेशन बताना यहाँ पे आए, रिलेशन ही आजकल की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है बताना, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहां से रिलेशन अगर सही रखना है तो बीच में से जो चीजें नहीं जरूरत है उनको काट दीजिए, तो वाई की जरूरत नहीं, वाई को काट दिया, काम खत्म, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट देखिए, कितने बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल आपके सामने आते रहते हैं। यदि x प्लस वाई का 50%, x प्लस वाई का माने गुणा 50% बराबर दिया है, बराबर x प्लस वाई का 40%, x प्लस वाई, दोनों जगह वाई है, x प्लस वाई नहीं भाई, यहां एक जगह माइनस हुआ होगा। रामकुमार जी क्वेश्चन एक बार चेक करिएगा, एक मिनट बच्चों क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमें लगता है कि कहीं से मिस्टेक आ रही है। एक मिनट बेटा रुके रहेंगे सब लोग, मैं सही कर रहा हूं। यक्स पहला वाला माइनस है सर, वो गलती से हो गया। एक्स माइनस वाई पहला आप कर लीजिएगा, आप सभी लोग पहला वाला एक्स माइनस वाई कर लीजिएगा। एक्स माइनस वाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए x माइनस वाई का 50%, देखिए माइनस में कम रहेगा तो उसका 50% प्लस के 40% के बराबर है, दोनों साइड परसेंट से परसेंट कटेगा, बटा सो करने की जरूरत नहीं है, साइड देखो परसेंट से परसेंट, जैसे क्वेश्चन देखो लगवा रहा हूं वैसे लगाना, अप्रोच बदलनी है, बाकी आपको बहुत कुछ आता है। तो यहां से देखिए 50 का जीरो, इसका जीरो बेटा काट देंगे, ठीक है। ये 5x माइनस 5y बच्चे हो जाएगा आपका 4x और 4y हो जाएगा। यक्स को एक साइड करोगे बेटा, 5 में से 4 घटाओगे तो यक्स हो जाएगा, और यहां से माइनस 4y, माइनस 4y, और ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 5y, तो यक्स बराबर वाई, यार यक्स बराबर वाई, तो यक्स बटे वाई 1:1 का सिंबल बनेगा, 1:1 का बनेगा, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, एक सेकेंड प्लीज, 1 मिनट, आई एम रॉन्ग, 4x ये प्लस है बच्चों, प्लस है, ये गलती मेरी है, तो प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है बेटा, बस सही कर दिया।
तो ये पांच चार कितना हो जाएगा, नौ वाई हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, ये नौ वाई हो जाएगा और यक्स बटे वाई, वाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा नौ बटे एक हो जाएगा। ये नौ बटे कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, अब यहां से पूछा जा रहा है यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो प्रतिशत निकालना मैंने आपको बताया था, यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो मैंने आपको बताया है कि जिसका कितना प्रतिशत वाई है, जिसका का की के कहा जाए वही मूल मान माना जाएगा। ठीक है, तो यक्ष का जिसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना एक दिन बताया था ना, तो जिसका पूछा जाए तो यक्ष का वाई ऊपर लगा लेंगे और गुणे सौ कर देंगे, एक बटे नौ बोले तो 11 से ही 1 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा 11 से ही 1 बटे 9। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैलकुलेशन क्योंकि यहां पे फॉल्ट हुई दो दो बार। x माइनस वाई बच्चे कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, का 50% बराबर x प्लस वाई का 40% बाबू लोग कर लेना, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो। 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y, पांच में से चार जाएगा x, ये उधर जाके जुड़ जाएगा बेटा, ये x बराबर 9y, तो x बटे y बराबर 9 बटे 1, तो x का कितने प्रतिशत y है, जिसका का की के कहा जाए उसको आधार बनाते हैं, तो x को आधार बना लिए, ऊपर एक लिख दिए, गुणे 100 कर दिए, तो ये आया 11 होल 1/9%। तो 11 होल 1/9 इज राइट आंसर। आइए देखते हैं कितने लोग का आया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, अनुज जी, विकास जी, दिव्यांश शुक्ला, दुर्गेश सिंह राजपूत, बिल्कुल बेटा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम कुमार जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए प्रैक्टिस ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ज्यादा इधर उधर लिखना नहीं, वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही लिख के समझा रहा हूं, इतना भी नहीं लिखना है, समझ में आ जाएगा तो इसमें से भी स्टेप को काट दीजिएगा। ठीक है, यदि x, यदि 120 को x परसेंट घटाने पर परिणाम 40 को x परसेंट बढ़ाने पर परिणाम के समान हो, तो 180 का x प्लस 20% 210 के x परसेंट से कितना कम होगा, ये आपका पूरा सवाल बन रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लगाइए, 120 को x परसेंट घटाने पर, तो x परसेंट घटाने का मतलब 120 में से x परसेंट घटाना है, तो आप सभी लोग जो रूल रेगुलेशन आपने पढ़ा है उस आधार पे आप सवाल को बनाने की कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं, सुने, 120 को x परसेंट बढ़ाना है, तो परसेंट में जब किसी डाटा को बढ़ाना होता है, आप सुन लीजिए, मैंने कहा था कि आप मूल मान 100% मानेंगे, और जब बढ़ाना होता है तो 100 में जोड़ के बढ़ाते हैं, और जब घटाना होता है तो 100 में घटा के। तो यहां से कहा जा रहा है x परसेंट, 120 को x परसेंट घटाने पर, यानी कि 100 में से x आप घटा दीजिए, घट के इतना परसेंट बनेगा। फिर कह रहे हैं 40 को x परसेंट बढ़ाने पर, तो 40 गुणे x परसेंट बढ़ाना है, तो 100 प्लस x परसेंट कर दीजिए, ये दोनों को आप यहां से परसेंट आप काट दीजिए बच्चों, और यहां से 40 से काट देंगे तो 40 तिया 120 हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस हो जाएगा x, 100 इधर आएगा, 200 बराबर बच्चों वो चला जाएगा 3 उधर, 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, तो x बराबर आपका 50 आ गया। फिर कह रहे हैं तो 180 का x प्लस 20%, तो 180 का x प्लस 20%, तो 180 का x प्लस 20%, बेटा x की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दिया, आपको दिखाई पड़ा 50, 50 20 70, यानी कि ये आपका 70% आ जाएगा, 18 सत्ते कितना आ जाएगा 126, ये 126 जो है, आगे बोला क्या है कि 210 के x परसेंट से कितना कम है, तो 210 का x परसेंट ले लेते हैं, x मतलब 50% कम नहीं बल्कि अधिक होना चाहिए था, 21 पंचे 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा 210 का x परसेंट,
बोला है कि 180 का एक्स प्लस 20% 210 के एक्स परसेंट से कितना कम है, तो 210 का एक्स परसेंट यानी कि एक्स की वैल्यू 50 है, तो 50 निकाल लिया तो 105 है, तो इससे कम नहीं होगा, अधिक होगा। ये देखिए अधिक होगा, कितना अधिक होगा घटा के देख लेते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और यहां से आपका 21, 21 ज्यादा है, तो 21 ज्यादा है बटे किस से, 210 के 50% माने 150 से गुणे 100 कर देंगे, 21 पंचे 105 और 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 20%, ये 20% आपका आंसर आना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है, 20 डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 20% यहां पे सही होगा। ये जो कम है ना उसको आप अधिक कर लीजिए, 210 के x परसेंट से कितना कम है, कम वर्ड काट के अधिक कर लीजिए, कम वर्ड काट करके अधिक कर लीजिए, सब लोग अधिक कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अधिक ही होगा, आप देख ही पा रहे हैं ना, अधिक कर लीजिए, ठीक है। हाँ 20% अधिक है बिल्कुल, बाकी तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। 120 को x परसेंट घटाया गया तो 100 माइनस x परसेंट कर लेंगे, 40 को x बढ़ाया गया बराबर हो गया, परसेंट परसेंट कटा, 40 थी 120, 300 माइनस 3x और बराबर इधर से आपका हो जाएगा 100 प्लस x, x 50 हो गया, 180 का x प्लस 20 माने 70% 126 आ जाएगा, 210 का x परसेंट 105 आ जाएगा, 105 से 126 कितना ज्यादा है, तो देखिए 21 ज्यादा है 105 से, तो 105 को बटा में लगा देंगे, गुड़े में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 20% आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट अगला, आपको किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है, झेलिएगा नहीं हमें। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने बोर्ड पे आया है, एकदम लेटेस्ट सवाल है ये, CHSL 2018 की लैंग्वेज है, 2018 CHSL के पेपर का सवाल है। लिखा है कि एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है, उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना बीआईपी सवाल है, एक से अधिक संख्या के संदर्भ में, तो मैं मानता हूं संख्या एक्स है, एक एक चीज क्लियर करते चले जाएंगे हम लोग। संख्या अगर एक्स है तो आप देखिए बोला है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, व्युत्क्रम अगर आप इसका देखेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब बच्चे होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक बटे इसका यक्स हो जाएगा, व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। एक एक लाइन समझते हैं, लिखा है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, तो स्वयं संख्या यक्स और उसका व्युत्क्रम 1/x के बीच का अंतर। आगे लिखा है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25%, तो स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का माने गुणा 25% बराबर 1/4 है, ये आपस में बराबर है। लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप, संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% माने 1/4 है। अब यहां से अगर आप सॉल्व करते भी हैं तो ये 4 इधर आके गुणा कर देगा, तो ये 4x-4/x बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x, बच्चे ये x इधर आके घटेगा तो 4 में से 3, ये वाला उधर जाएगा तो 5/x हो जाएगा बच्चों, और ये आपके पास हो जाएगा इधर से x स्क्वायर बराबर 5/3। समझ रहे हैं, x इधर चला जाएगा गुणा करेगा x स्क्वायर और 3 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर बराबर 5/3। अब सवाल में कहा जा रहा क्या, उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यार एक काम करते हैं, चौथी घात माने x की पावर 4 और संख्या की दूसरी घात का मतलब x स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, इनके बीच का रेशियो देख लीजिए, तो इनके बीच का रेशियो संख्या की चौथी घात रेशियो से फायदा हो जाएगा कि 2 घात से आपका 2 घात कटेगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर अनुपाते 1,
यक्स स्क्वायर का मान हमारे पास है 5/3 और इसका मान हमारे पास 1 है, यानी कि ये 5 अनुपाते कितना बनेगा 3। अब कह रहे हैं संख्या का चौथी घात, देखिए चौथी घात और दो घात का मैंने रेशियो निकाला जिससे चीजें कट जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो यहां से 5/3, तो चौथी घात दो घात से कितना ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है दूसरी घात, यानी कि 3 से गुणे 100 कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 66 होल 2/3। तो आपका आंसर आएगा 66 होल 2/3, इसका राइट आंसर है। बहुत ही बीआईपी क्वेश्चन है ये, सीएचएसएल में आया हुआ है मेरे बच्चे, सीएचएसएल 2018 में लेटेस्ट इस टाइप की लैंग्वेज चल रही है। आपका भी ऑनलाइन पेपर है, दमदार एसआई का पेपर होगा, ये समझ लीजिएगा एसआई का पेपर एकदम दमदार होने वाला है, ठीक है। अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं, संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x का अंतर उसके योग का 1/4, 25% माने 1/4, 4 तिरछा गुणा करेगा बाबू लोग, तो 4x - 4/x = x + 1/x, ये इधर आके घटेगा, ये उधर जाके जुड़ेगा, यक्स स्क्वायर बराबर 5/3। अब देखिए रेशियो बनाना काफी आसान कर देता है सवाल को, आदत में सुमार करिए कि काट के जहां मिले पहले खचड़ा कर दीजिए, छोटा है ना। तो यहां से 4 घात 2 घात का रेशियो बनाया, 2 घात से 2 घात कट गया, देखो नहीं तो 4 घात करते अभी कैलकुलेशन में आपकी बुद्धि हरी हो जाती है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर अनुपात 1 बना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है 1 है, 3 इधर जाकर के बनाएगा 5/3। अब यहां से दूसरी घात की वैल्यू, ये चौथी घात की वैल्यू, तो 3 से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है दूसरी घात से, और यहां पे गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं आपके कमेंट, 66 होल 2/3, वंदना का भी आ गया है, ठीक है, विकास का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सबको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कोई तकलीफ हो तो बता देना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट आ गया आपका, कमी और वृद्धि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आप हेडिंग बनाएंगे और रुक जाएंगे, अब थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सब लोग हेडिंग बना लेंगे, कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब ये इतना आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यह कि मैं समझा देता हूं। जैसे बोला कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। मान लो ये सिंपल सा सवाल, मैं आपको 2-3 टाइप यहां पे बताने की कोशिश करूंगा, आराम से यहां पे सीखिएगा, ठीक है। तो ए की आय बी से, एक किससे ज्यादा है, बोलता है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दो बंदों को लिख लो, ए को लिख लो और किसको लिख लो, बी को, ठीक है। तो ए की आय किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो दो अप्रोच मैं बता रहा हूं, एक 100 मान करके नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, नॉर्मल कैलकुलेशन होगी, तो ये अप्रोच हम 100 मान के कर लेंगे, नहीं तो फ्रैक्शन भी बताता हूं, ठीक है। तो ए की आय बी से, यानी कि बी अगर यहां पे मान लेते हैं कि 100 रुपए कमाता है, तो बी से 25% ज्यादा कौन कमाता, ए, तो 100 का 25 तो प्यार से निकालेंगे 25 आ जाएगा, 25 ज्यादा ए कमाता है, यानी कि ए कितना कमाता है, 125। आप इसको काट के रेशियो बना दीजिए, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, दोनों की कमाई का अनुपात कितना बना, 5/5 कितना बना, 4, खत्म हो गया सवाल। अब पूछता बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो ए से कितना कम है, आप देख रहे हो एक कम है, तो प्रतिशत में अगर कैलकुलेट करना तो एक कम है, बी की आय ए से एक कम है, ए से जिससे पूछा जाए कमी या वृद्धि वही आधार बनाया जाएगा, तो बी की इनकम ए से यानी कि एक कम है, तो ए से मतलब ए को आधार बनाइए, गुणे में 100 कर दीजिए, और ये लीजिए आपका सवाल का उत्तर आ गया, 1/5 मतलब कितना, 20%।
ठीक है। अब ये अगर डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं। 25% बोले तो बच्चे 1/4। अब ए और बी का अगर हम रेशियो बनाएं तो ए की इनकम बोलता है ए की आय बी से ज्यादा है। जिससे ज्यादा या कम रहता है, जिससे या जिसके कहा जाए उसी को मूल मान मानते हैं। तो मूल मान हम मान लेते हैं यहां से बी को, यानी कि ये अगर बी है तो बी से 25% ज्यादा ए है। तो बी अगर 4 कमाता है तो इससे 25% एक ज्यादा ए कमाता है, काम खत्म। अब ए से बी कितना कम है तो आप कहेंगे सर एक कम है, एक कम है ए से 5 से, और गुणे में 100 कर दीजिए तो 5 से काट देंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। समझ गए। तो इस तरह से आपको अगर दिक्कत आती है, मान लीजिए कि डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फ्रैक्शन बनाइए, नहीं तो 100 बना के भी आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं अपने आराम से, अपना आपका जो भी काम है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दो सवाल यहां पे करते हैं, दो सवाल, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा मूल्य मात्रा इस सब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो ए की आय बी से 50% अधिक है, ए की आय बी से 50% अधिक है, 50% बोले तो 1/2। ए की आय बी से, जिससे कहा जाएगा वही मूल मान है, बी से 50% ज्यादा यानी कि एक ज्यादा है ए। तो ए और बी का अगर हम रेशियो देखें तो बच्चा ये सीधे सीधे बनेगा, ए बी से ज्यादा है तो बी अगर 2 कमाता है तो 2 से 50% ज्यादा ए कितना कमाता है, 3 कमाता है ना। अब यहां से सवाल में कहा क्या जा रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो भैया जी एक कम है बी की आय ए से, तो ए को बटे में कर लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 33 होल 1/3%। Therefore, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 33 होल 1/3%, 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है अजय, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ए की ऊंचाई बी का 75% है, तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 75 बोले तो 25 3 75, 25 चौक 100। ए की ऊंचाई बी से, जिससे या जिसके बोले वही मेन मान होगा, यानी कि बी अगर ये है तो 75% ज्यादा ए 3 बढ़ा दीजिएगा। तो ए और बी का रेशियो, बी अगर 4 मीटर है तो सीधे सीधे 4 का 75 3 बढ़ा करके ए कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब बोलता है कि बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत, एक सेकेंड, यहां पे गलती हो गई मेरी, लैंग्वेज फिर से पढ़ेंगे, गलती हो गई बच्चा, एक मिनट रुकेंगे। ज्यादा कम नहीं बोला है, ज्यादा कम नहीं बोला, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का 75% है, 75% अधिक नहीं बोला, सिर्फ बोला 75% है। तो ए की ऊंचाई बी का 75% है, कोई बात नहीं, ए की ऊंचाई बी का 75% है, यानी कि बी अगर 4 है तो बी का 75% ए कितना है, 3। कम ज्यादा बोला होता तो बढ़ाते, लेकिन कम ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ बोला ए की ऊंचाई बी का 75% है, यानी कि बी का 75 है तो मेन मान बी है, बी का 75% बोले तो 3, यानी कि ए जो है वो कितना है, 3 है। अब सही है, अब बोलता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बेटा 1 अधिक है बी की ऊंचाई ए से, तो 1/3 ए से पूछा है, तो ए को मूल मान बनाएंगे, गुणे 100 कर देंगे, और 1/3 गुणे 100 बोले तो 33 सही 1/3, खत्म, ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभी। चलो अगला, 33 से 1/3, ठीक है सर्वेश, दुर्गेश, चंद्रभान, संदीप कुमार गौड़, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। अगला वाला सवाल, अगला देखो दमदार सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, इसको आप लगाने की कोशिश करेंगे।
लिखा है ए की आय बी की आय से 45% कम है, ए की आय बी से 45% कम है, तो 45% होता क्या है? 5 × 9 = 45, 5 × 20 = 100। ए की आय बी से, मतलब जिससे कहा जाएगा वही बच्चे मूल मान है, यानी कि बी अगर ये मूल मान है तो बी से 45% यानी कि 9, बी का 45% कितना आएगा? 9, 9 कम है। तो बोला ए की आय बी से 45% कम है। लैंग्वेज समझेंगे, अर्थमेटिक में भाषा समझेंगे, ए की आय बी से, बी अगर 20 रुपए कमाता है तो बी से 45% यानी कि 9 कम 11 रुपए कौन कमाता है? ए कमाता है। यही तो बात निकल के आएगी। अब बोला क्या? बोला कि तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय, अगर ए प्लस बी की कुल आय बच्चे करेंगे आप तो ये 31 यूनिट आ जाएगा। ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बेटा देख लो कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर ये 20 यूनिट अधिक है। ए प्लस बी की कुल आय कितना यूनिट अधिक है ए से? 20 यूनिट अधिक है। तो 20 यूनिट अधिक है कहां से? अधिक है ए की आय से, क्योंकि ए की आय से पूछा जा रहा है, तो ए की आय को बेस बनाएंगे, गुणे में 100 कर देंगे, 1/11 सबको पता है, 1/11 जो होता है 9.09 होता है, उसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 20 × 180, शून्य में 20 × 0 = 18, ये एक बचेगा, 20 × 80 1 = 181, 181.80। देखिए कितने प्यार से कैलकुलेशन किया मैंने, 181.80, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 181, 20 × 180 और 18 बचा, 20 × 0 = 18, 20 × 180 181, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अप्रोक्स। किसी का आंसर आया नहीं, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ए की आय बी की आय से कम है, तो यानी कि जिससे कहा जाए वो मूल मान है, तो बी 20 है, उससे कम है 11 हो गया, फिर ए तथा बी की संयुक्त आय 31 हो गया, ए से कितना ज्यादा है? 20 यूनिट ज्यादा है, सीधे सवाल में ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ज्यादा इधर उधर नचाएंगे नहीं आप सवाल को, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लिखा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, घुमा फिरा करके सवाल में पूछने की कोशिश किया गया है। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी कि ए है, बी है और सी की आय ए तथा बी के योग से, तो सी की आय ए तथा बी के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। देखिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आसानी से हो सकती हैं, यहाँ पे डाटा आराम से है, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ 100 मानूं, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो ए की आय बी की तुलना में 25 ज्यादा है, तो बी अगर 100 कमाता है तो ए कमाएगा 100 कितना? 25। फिर बोलता क्या है, आगे क्या बोलता है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए और बी के आय के योग यानी कि 225 से 65% कम बोले तो इसका 35% है, यही तो बनेगा, 65% कम बोले तो 35% है। फिर बोलता है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी और ए में रेशियो ले लीजिए। देखिए जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो तो सी और ए में रेशियो ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, रेशियो ले लेते हैं, लीजिए रेशियो, 25 × 5 = 125, 25 × 9 = 225, 5 × 7 = 35, 5 × 20 = 40, 20 × 5 देखिए इधर आ जाएगा 100 और 9 × 7 कितना आएगा? 63। तो 100 और 63 का रेशियो बन रहा है। अब बोलता है सी की आय ए से कितना कम है, तो बच्चे देखिए कितना कम है, आप खुद देख रहे हैं 37, 37 कम है 100 पे, तो आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 37 कम है 100 पे, और 100 पर की गई गणना को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 37। मुजबानी सवाल है कि नहीं, खतरनाक देखने में लग रहा था लेकिन है कुछ नहीं,
बस आपका अप्रोच बढ़िया होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे बच्चे, फ्रैक्शन भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है। 25% मतलब 1/4, तो ए बी सी, ए की आय बोला 20 से 25% ज्यादा है, यानी कि 4 से 25% एक ज्यादा है, तो आपका 5 हो जाएगा। अब ये 5 4 9, 9 से 65% कम, यानी कि 35%। फिर वही रेशियो वाला सिस्टम लगा लीजिएगा, ए और सी का रेशियो बनाइएगा, तो 5 रेशियो बनाने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 100 इधर चला आएगा। देखिए यहां भी आसान है, 100 और 63 का रेशियो बन रहा है, कितना कम हो रहा है, 3700 पे कम हो रहा है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 100 पे 37 कम होने का मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 37। ठीक है, धुआंधार आप लगा दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है, एक बार आप अपने विचार प्रस्तुत कर दिया करिए। ठीक है, समझ में आ रहा, आसान था ना? हाँ, तो सवाल बोर्ड पे लग चुका है आपके पास। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ए की आय बी की तुलना में 40% की फ्रैक्शन बनाइए, 20 दूना 40, 20 25 100। ए की आय बी की तुलना में अगर ये बी है तो बी से 40% ज्यादा, यानी कि 2 40% अधिक है। 40% अधिक होने का मतलब ए और बी का अगर हम डाटा सेट करें तो बी अगर 5 रुपए कमाता है तो ए 5 से 40% ज्यादा यानी कि 7 रुपए कमाता है। ठीक है, फिर बोला यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि, सर क्वेश्चन ज्यादा ऊपर कर लिया आपने, यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त कर ली है, ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि। अब देखो यहां पे एक समस्या सता रही है कि अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी खतरे में चली जाएगी, है ना? तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरे बेटे, देखो क्या लिखा है। आप एकदम लास्ट लाइन में चले जाओ, लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। लास्ट लाइन में लिखा है ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि उत्तर किसमें पूछा, प्रतिशत में। और जब उत्तर प्रतिशत में पूछा तब तो खुला छूट है, चाहे जैसे लगाओ सवाल, यानी कि डाटा जो रेशियो में है इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मान लो। ठीक है, तो मान लेंगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो लेट लेट माने माना ए की कमाई 00 बढ़ाते हैं 700 और बी की कमाई 00 बढ़ाते हैं मान लेते हैं 500, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, 700 500 हो गया। अब देखिए अब कैलकुलेशन में क्या करना है, ए अपने में 25% बढ़ाया तो 25% बढ़ाने का मतलब 1/4 इसका निकाल लीजिए, 25% मतलब 1/4, तो 4 से काटेंगे बेटा तो 1/4 आप इसका बढ़ाएंगे तो 1/4 का मतलब ये हो जाएगा 4 1 4 और 3 7 4 7 28, 2 3 175 बढ़ाएगा तो बढ़ करके ये कितना हो जाएगी, ए की कमाई 800 कितना 75 हो जाएगी। और फिर आगे कहा जा रहा है बी अपनी आय में 40% वृद्धि, तो 40% मतलब 2/5, 2/5 अगर आप बढ़ाएंगे तो 5 से काट देंगे, ये 5 से काटेंगे 100 आएगा, 100 दूना 200, यानी कि 200 बढ़ा तो 500 से बढ़ करके इसका कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो कह रहे हैं तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितना है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, अब एक काम कर देते हैं, ए और बी की आय में संयुक्त रूप से प्रतिशत वृद्धि कितने की है, तो पहले ए और बी मिलाकर के कितना कमाते थे, 7 5 कितना कमाते थे, 1200 रुपए कमाते थे। आज ए और बी मिलाकर के 8 7 1575 रुपए कमा रहे हैं, तो पहले से कितना बढ़ा, तो पहले से कितना बढ़ा आप देख लीजिए, घटा करके ये 5 ये 7 ये 375 रुपए बढ़ा, तो संयुक्त वृद्धि का जो प्रतिशत है ए और बी की आय में 375 बढ़ा कहां से, 1200 से गुणे में 100 कर देंगे, ये 12 से 12 3 36 137, 12 1 12 3 15, 3/12 3 4 12, 31 से ही 1/4%, या आप कह सकते हैं 31.25%।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ए और बी की आय में संयुक्त रूप से वृद्धि का प्रतिशत आपका जो बन जाएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां कैलकुलेटिव सवाल है ना, कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ है नहीं। ए की आय बी से ज्यादा है तो पांच से दो ज्यादा सात, लेकिन हमने देखा कैलकुलेशन थोड़ी खतरीली है तो हम अपने अनुसार, अच्छा उत्तर प्रतिशत में पूछा जाए तो कुछ भी बनाइए, ठीक है, लेकिन जितना इसमें जीरो बढ़ाइएगा उतना इसमें बढ़ाइएगा। 700, 500, 1200, 1/4, 25%, 25% बोले तो कितना होता है, 1/4 बढ़ाएंगे, ठीक है, और 20% बोले तो कितना होता है, 2/5 बढ़ाएंगे, 2/5 के नाम पे आपका 200 बना, 1/4 के नाम पे 175 बढ़ा, 175 बढ़ा तो 875 कमाए, 200 बढ़ा तो 700 कमाए, अब 1575 कमाते हैं, पहले से 375 रुपए बढ़ा के कमाते हैं, तो 375/1200 × 100 माने 31.25 कितना आ जाएगा, 2/5, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से हम लोग जो है चीनी चावल गेहूं के मूल्य में कमी, मूल्य और मात्रा वाले सवाल कल पढ़ेंगे, तो मूल्य और मात्रा का सवाल कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास कल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कल आपको पढ़ाया जाएगा कि मूल्य और मात्रा एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, इस पे आधारित हम लोग सवालों को पढ़ेंगे, क्रमागत वृद्धि वाले सवाल पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। आज का काम यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, फार्मूला कुछ नहीं है, मैं बिना फार्मूले का पढ़ाता हूँ बाबू, बिना फार्मूले का कोई मतलब ही, मतलब फार्मूला क्या है यार, अर्थमेटिक में फार्मूला रटेंगे आपकी इतिहास का जाकर के डेट और सन याद करेंगे, मैथमेटिक्स खाली लगाइए, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो दो बार कम से कम देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।